नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। जबलपुर थाना गोसलपुर में दिनांक 24 अप्रैल 2024 को नायरा पेट्रोल पंप में काम करने वाले सत्यम रचक को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर पेट्रोल पंप का कैश छीन लेने पर पेट्रोल पंप वालों द्वारा सिहोरा अस्पताल ले जाने एवं जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर करने की सूचना पर मेडिकल कॉलेज पहुंची पुलिस को सत्यम रचक उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सिमरिया गोसलपुर ने बताया कि वह पिछले 3 वर्ष से रामपुर गोसलपुर में बने नायरा पेट्रोल पंप में काम करता है। पेट्रोल पंप के मालिक अमित जसवानी के कहने पर वह रोज ही पेट्रोल पंप का कैश SBI गोसलपुर में जमा करने जाता है। रोज की तरह ही दोपहर लगभग 3:30 बजे वह पेट्रोल पंप के कर्मचारी नरेंद्र मिश्रा की जुपिटर गाड़ी से पेट्रोल पंप का कैश 1,28,000 रूपए काले नीले रंग के पिट्टू बैग में डालकर SBI गोसलपुर में जमा करने जा रहा था। जैसे ही बन्नू तिहरा पहुंचा तभी काले रंग की स्प्लेंडर जैसी गाड़ी से 2 लोग उसे ओवरटेक कर आगे निकल गए। वह जैसे ही समेत गिरी गेट के सामने पहुंचा तभी अचानक उसकी आंख में कुछ कचरा साफ फंस गया, तो उसने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोक लिया और हाथ से आंख को मलने लगा। तभी बहुत तेज आवाज आई जैसे टायर फट गया और पेट में दर्द होने लगा। उसने पेट में हाथ में लगाया तो पेट से खून निकल रहा था। 2 लड़के जो उसे ओवरटेक कर आगे बढ़े थे उसके सामने आ गए और उसका पिट्टू बैग छुड़ाने लगे। तब उसे समझ आया कि उन लोगों ने उसे गोली मार दी है। वह बैग नहीं देख रहा था तो उनमें से एक लड़के ने उसकी आंख में मिर्ची डाल दी और उसका पिट्टू बैग जिसमें नगद 1,28,000 रूपए थे छीनकर बन्नू तिराह की ओर भाग गए। सिहोरा सुश्री पारुल शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गोसलपुर राजेंद्र सिंह मरसकोले के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच एवं थाना गोसलपुर की टीम गठित कर लगाई गई है। 24 अप्रैल को थाना गोसलपुर स्थित नायरा पेट्रोल पंप का एक पेट्रोल पंप कर्मचारी सत्यम रजक पैसे जमा करने SBI बैंक जा रहा था, तो रास्ते में 2 अज्ञात बदमाशों ने उसका 1,28,000 रूपए लूट लिया था। जब इस पूरी घटना में अपराध दर्ज कर इसकी विवेचना शुरू की गई तो SDOP पारुल शर्मा के नेतृत्व में थाना गोसलपुर की पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच जबलपुर की पुलिस टीम के द्वारा एक एक जगह की CCTV फुटेज और अपने जो भी मुखबिरी तंत्र है उसको सक्रिय करके जब ये पता लगाया गया तो थोड़ा सा शक पेट्रोल पंप में काम करने वाले नरेंद्र तिवारी के ऊपर गया। नरेंद्र तिवारी के जब मोबाइल डिटेल को खंगाला गया तो उसकी बात साकेत चौबे से लगातार होनी पाई गई और जब साकेत चौबे से पूछताछ की गई तो तार उसके धीरे खुलते चले गए और पूरी घटना इस प्रकार से हुई कि साकेत चौबे और नरेंद्र तिवारी आपस में आसपास गांव के थे और कोई ऐसे बड़ा कुछ लूट वूट को अंजाम देना चाहते थे, तो नरेंद्र तिवारी ने कहा कि यहां से पैसा जमा करने रोज एक आदमी जाता है उसको आप लूट सकते हो। तब ये साकेत चौबे जो है वो जबलपुर के 2 साथी उसके एक मोनू सोनी था और एक नाबालिग लड़का था और एक राहुल गौड़ और एक सत्येन पाठक गोसलपुर का ही रहने वाला, इनके साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और घटना इस तरह से हुआ कि जो जबलपुर का रहने वाला मोनू सोनी और नाबालिग बालक था उसने रांग साइड से जाकर जो संवेदगिरी हाईवे पर स्थित जो जगह है वहां पर उसने सत्यम रजक के साथ उसको गोली मारकर पेट में और बाद में उसके आँख में मिर्ची छिड़क कर 1,28,000 रुपये लूट लिए थे। इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में जो लूटी गई रकम है 1,28,000 रुपये वो जब्त कर लिया गया है। 7 मोबाइलें जब्त की गई हैं, 2 पिस्टल जब्त किए गए हैं, 2 कारतूस जब्त किए गए हैं, 1 खोखा जब्त किया गया है और आगे प्रकरण की विवेचना की जा रही है। घटना में शामिल सभी जो थाना गोसलपुर के अधिकारी कर्मचारी हैं और क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी कर्मचारी हैं और मदन महल के कर्मचारी हैं, इन सभी को पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुरस्कृत करने की घोषणा की। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, अभी तत्कालिक रूप से इनसे और भी पूछताछ हो रही है और क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगालने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोई गाड़ी और ये भी जब्त हुई है? 3 वाहन जब्त हुए हैं। घटना हाँ, मतलब जो नरेंद्र तिवारी था जो पेट्रोल पंप कर्मचारी जो पकड़ा गया है वही इस घटना का पूरा सूत्रधार था, उसी ने पूरी सूचना दी है और उसके सूचना के आधार पर ही सारी घटना को अंजाम दिया गया। हाँ, उस आगे उस तरह की भी पूछताछ की जा रही है, क्राइम ब्रांच की टीम इसमें लगी हुई है और इनके जो भी साथीदारान हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में ऐसे कई चोरियों का भी खुलासा होगा। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए पंकज जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।